नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में SW24 न्यूज मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयंत गुप्ता। जयंत जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, कितनी सशक्त होगी और कितनी फायदेमंद होगी आम आदमी पार्टी के लिए, ये तो आने वाले चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन केंद्र में जयंत जी, जो आम आदमी पार्टी का एक समझौता हो रहा है INDIA, जो एक गठबंधन बना है इंडिया, उस गठबंधन के बाद क्या आप ये मानते हैं विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पृथक चुनाव लड़ पाएगी? सबसे पहले SW परिवार को एवं उनके दर्शकों को आम आदमी पार्टी खरगोन की ओर से बहुत बहुत बधाई। जैसा आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी जो केंद्र में गठबंधन किया उस हिसाब से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ पाएगी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा प्रयास है कि केंद्र की राजनीति अलग होगी और राज्य की राजनीति अलग होगी। राज्य में जो पदाधिकारियों को पार्टी टिकट देगी वो अपने अपने स्तर से एवं पार्टी की रीति नीतियों एवं जो मॉडल जो केजरीवाल मॉडल चल रहा है उसी के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति दिल्ली और पंजाब से पूरी तरह भिन्न है। दिल्ली में एक धमाकेदार जीत के बाद पंजाब में कांग्रेस अपने आम आदमी पार्टी ने, माफ़ कीजिएगा, आज सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में अगर वो उसी सोच को लेकर आ रही है तो यहाँ पर जो है मिक्स विचारधारा के लोग रहते हैं। इस स्थिति में आम आदमी पार्टी किस प्रकार से जनता के बीच जा कर के उनको आकर्षित करेगी वोट के लिए? दिल्ली में जब सरकार बनी नहीं थी उस समय ये स्थिति थी कि वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को कोई जानता नहीं था। केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन से जुड़े और धीरे धीरे लोगों में जन जागृति लाए, शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल और जो विपक्षी पार्टियों ने उनको जिस प्रकार कहा था कि आंदोलन करके जनता को हम आगे नहीं ला सकते हैं, तो आप राजनीति में आओ, जो बिल पास करना है इस हिसाब से आप राजनीति में आओ, इसी को लेके उनके मन में एक जो सोच थी, एक विचार था, एक जो कार्य करने की शैली थी, उसी को लेके वो आगे बढ़े और पूरे दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी के लोगों को चुनाव में टिकट देकर एक पार्टी जो बनाई थी उसमें चुनाव लड़े और उन्होंने एक नहीं तीन तीन बार चुनाव जीते। इसी के साथ पंजाब में उन्होंने अपनी धरातल पर धीरे धीरे उम्मीदवारों को, लोगों को, सभी को अपना मॉडल बताया और अपने कैंडिडेट खड़ा करके वहाँ पर अपनी सरकार बनाई। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में एक शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे कार्यों का अनुसरण पूरे देश में चला रही है और उसी की क्रियाकलाप को लेके मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा चुनाव में जो चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, तो हर गांव शहर में लोगों को वो मॉडल बता रहे हैं कि आप शिक्षा को, स्वास्थ्य को, बेरोजगारी के लिए, भ्रष्टाचार को यहां से हटाने के लिए आप हमें वोट दें। और इसी के चलते हम इस वर्ष 2023-24 के विधानसभा चुनाव में अग्रसर है। देखिए, अर्बन एरियाज़ की परिस्थितियां कुछ अलग होती हैं, शिक्षित वर्ग होता है, आसानी से आप अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश है, ग्रामीण क्षेत्र है, अनडेवलप्ड है, अशिक्षित क्षेत्र है, कृषक मजदूर वर्ग ज़्यादा है और उसके बाद केजरीवाल पर ही स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मकान, अपने बंगले का रेनोवेशन 45 करोड़ में जो व्यक्ति करवा रहा है वो गरीबों को क्या सपना दिखाएगा? देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे हैं। देश में सभी पार्टियां दूध की धुली हुई है। देखिए, मैं आपसे जयंत जी बीच में रोक रहा हूँ आपको कि जब हम आरोप लगाते हैं कि अमुक पार्टी पे ये आरोप है, तो वो अपने आरोपों का जवाब न देते हुए वो दुनिया की दूसरी पार्टियों को गिना देते हैं कि इन पार्टियों में ऐसा है, तो क्या वो आप फिर पार्टी विद डिफरेंस क्या हुआ? चलो, आम आदमी पार्टी भी उन्हीं में घुल गई। आम आदमी पार्टी सब पार्टियों से अलग है। सबसे पहली बात, अगर आरोप प्रत्यारोप लगाया है किसी पार्टी ने
या किसी व्यक्ति विशेष ने, तो आप ये मान के चलो कि केजरीवाल जी ने जो बंगला जो जिस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे 100 करोड़ के जो पर्दे के और इसके लगा रहे हैं, मुझे बताइए कि वो केजरीवाल जी के नाम पे तो नहीं है वो, उसमें पहले बीजेपी रहती थी, फिर कांग्रेस रहती थी, शीला दीक्षित वगैरह सभी रहे, जीर्ण शीर्ण अवस्था में जब वह टूटने के कगार पर हो गया, उसमें कभी भी वो धराशायी हो जाए, ऐसी परिस्थितियों में एक जो उनका अलग से मंडल रहता है, उन्होंने उस चीज़ को, उस मॉडल को तैयार किया और नए सिरे से भवन बनाने के लिए जो भी पैसा खर्च किया वो शासन का पैसा शासकीय ज़मीन पे खर्च किया, न कि केजरीवाल जी के व्यक्तिगत भवन पर खर्च किया। अब आरोप लगाने वालों को तो रोक नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें इसमें, क्योंकि इस बंगले के रिनोवेशन को लेके जो फंड्स थे वो इतने आसानी से स्वीकृत हुए हैं और वो सारे केजरीवाल जी ने उन्हीं मंत्रियों से करवाए हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए। इस चर्चा पे जाएंगे, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। मेरा आपसे ये कहना है कि जो दिल्ली की एक विचारधारा है, जो एक महाशिक्षित वर्ग है, संपन्न वर्ग है, उसकी एक विचारधारा अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश ग्रामीण परिवेश में है, अशिक्षित है, मैं गरीब मजदूर है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप किस प्रकार से अपनी बात लेके उनके बीच जाएंगे ताकि वो आपके साथ जुड़ सकें। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव, शहर-शहर पार्टी की रीति नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब दिल्ली में शिक्षित लोग रहते थे, यहाँ पर भी शिक्षित लोग रहते हैं, आप शहरी क्षेत्र में चले जाइए, कई समस्याएं आज भी ऐसी धरातल पर है जिसका कोई भी पार्टी निराकरण नहीं कर पाई। आप आदिवासी अंचल में चले जाइए, यहाँ से 40 किलोमीटर धुलकोट क्षेत्र में चले जाइए, कई जगह ऐसी है आज भी वहाँ बिजली की सुविधा नहीं है। अगर कोई मेरे से नाम पूछे तो मैं वो नाम बताने के लिए भी तैयार हूँ। आप कालिया पानी चले जाइए, यहाँ पर आज भी बिजली नहीं है, वहाँ पर शिक्षा है परंतु यहाँ के पूर्व मंत्री के कुछ रिश्तेदार वहाँ पर नौकरी करते हैं, पति पत्नी दोनों, आज भी वो एक महीने में एक बार जाते हैं, साइन करके वापस चले आ जाते हैं। मुझे बताइए कि गाँव में आज भी 70 सालों में शिक्षा नहीं पहुँची, क्यों नहीं पहुंची? क्यों कि दो पार्टियों ने जब 70 सालों तक, दोनों मौसेरे भाई है, दोनों ने एक ही काम किया है कि पहले तू बैठ, तेरा काम हो जाए तो फिर मेरे को बिठा। दोनों जब बैठ जाते हैं तो लोगों का विकास, लोगों का कार्य कुछ नहीं होता। शिक्षा की स्थिति गांव में आज भी ऐसी है कि सुबह 10 बजे टीचर पहुँचता है और 2-3 बजे घर पहुँच जाता है। बताइए आपका थंब कहाँ गया, आपकी सिग्नेचर कहाँ गई? आखिर क्यों? शासन प्रशासन कई जगह पर अच्छे कार्य करने की सोचती भी है परंतु अधिकारी जो प्रशासन के कर्मचारी है वो इतना, मतलब क्या है कि सरलीकरण कर देते हैं कि वो उसमें अपना गुनाह छुपा लेते हैं। तो आज भी शिक्षा जो गाँव में नहीं पहुँची उसके कारण ही दोनों पार्टियाँ हैं। और हमारा जो मॉडल है, हम गाँव में द्वार द्वार लेके जा रहे हैं, बच्चे की फीस, आपका बच्चा पढ़ेगा अच्छा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में सब सुविधाएं देंगे तो वहाँ पढ़ेगा, आपको जब अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आपका बच्चा अच्छे नंबरों से पास होने के बाद देश के विभिन्न कोनों में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। रहा सवाल स्वास्थ्य का, ये मॉडल बताएंगे कि भाई आपके यहाँ डॉक्टर जो प्राइवेट डॉक्टर है लाखों रुपए ले रहे, मतलब लाखों से मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं एक दिन में ले रहे, साल में 1-2 लाख रुपए जो कमा रहे वो नहीं कमाएंगे, क्योंकि जब स्वास्थ्य का मॉडल द्वार द्वार गांव गांव के मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से पहुँचेगा तो निश्चित ही हम सफलता पाएंगे। लोगों में एक जागृति आएगी कि नहीं, इन दोनों पार्टी वालों ने विभिन्न मतलब 70 सालों में जो शोषण किया है, ये जो केजरीवाल जी का मॉडल है इनका मॉडल बढ़िया है, स्वास्थ्य के कारण हमें दवाई भी निःशुल्क मिल रही, हम ईश्वर न चाहे वो बीमार पड़े, हम नहीं चाहते कि बीमार पड़े, परंतु मोहल्ला क्लिनिक जब रहेगा तो निःशुल्क इलाज होगा और इलाज होगा तो स्वतः ही आदमी का पैसा बचेगा। शिक्षा में जो आज 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये शहरों में KG 1 KG 2 पहली दूसरी के बच्चों की जो निजी शिक्षण संस्थाएँ लाखों रुपये फीस लेकर पालक भी उनके बहकाओं में आकर लाखों रुपए जो कमा रहा है वो नहीं कमाएंगे। जब सरकार का मॉडल अच्छा रहेगा, शिक्षा का मॉडल अच्छा रहेगा तो निश्चित ही लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। जयंती जी, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में जिस ढंग से शासकीय स्कूलों को डेवलप किया आम आदमी पार्टी ने वो एक मिसाल है और अन्य प्रदेशों में भी ऐसा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना 1,000 रुपये और नारी सम्मान योजना 1,500 रुपये,
अब आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है, क्योंकि वो भी चुनाव में आने वाली प्रदेश में। बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी आपने कि इसकी शुरुआत केजरीवाल जी ने की है। जी जी जी, जो हमारा मॉडल था दिल्ली और पंजाब में, जो महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा था, वो 1,000 रुपये की धड़कन इतनी तेज़ थी जिसने पंजाब में सरकार बनाई, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि अगर मध्य प्रदेश में केजरीवाल मॉडल अगर लागू हो गया तो कई महिलाओं के वोट आम आदमी पार्टी की ओर कन्वर्ट हो जाएंगे, उनकी ओर चले जाएंगे और वो निश्चित तौर पे हमारी सरकार को इस मध्य प्रदेश से सफाया करके चले जाएगी। इसी को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने 1500 रुपये नारी सम्मान योजना लागू की और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना लागू की जिसमें 1,000 रुपये दे रहे हैं। मानता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा तक ले जाएंगे बढ़ाते हुए। अब यही काम बाकी रह गया है। उनको पता है कि जो लोग फ्री की योजना और फ्री की रेवड़ी बताते थे, आज उन्हीं लोगों को उस केजरीवाल की रीति नीति पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे हमारे लिए सुखद पहलू क्या हो सकता है कि हमारी योजना अगर अनुसरण करके अगर मध्य प्रदेश के लोगों को दी जा रही है तो मैं बहुत बढ़िया उनको धन्यवाद देता हूं और लोगों को यही कहता हूं कि अगर केजरीवाल का डर नहीं होता, केजरीवाल की अगर पंजाब और दिल्ली जैसी 1,000 रुपये की योजनाओं का डर और वो क्रियाकलाप नहीं होता तो आज मध्य प्रदेश की बहनों को न तो नारी सम्मान के 1500 रुपये और न लाडली बहना के 1,000 रुपये उनको मिल पाते। इसके लिए सबसे पहले उन महिलाओं को केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहिए कि भाई तूने अच्छा काम किया है, तेरे कारण हम लोगों को इन लोगों ने डर के मारे 1,000 रुपये देना चालू किए। तो जयंत जी, आम आदमी पार्टी अब 2500-3000 क्या देगी, ऐसा कोई विचार बना है पार्टी के अंदर? हम सबसे पहले ये कहेंगे कि हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। अब एक पार्टी आपकी भी आ रही है तो आप भी थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में तो ये रीति बन गई है। जी जी, आप 1,000 दे रहे हैं तो हम 1500 देंगे, तो हमने कहा हम 3,000 देंगे। जी जी, तब आम जनता का वोट जो है इसी प्रकार से लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी भी कोई योजना लेके आ रही है क्या? आम आदमी पार्टी हमेशा से अपनी रीति नीतियों को, अपने मॉडलों को, अपने क्रियाकलाप को लेके हर जगह चुनाव लड़ी है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि लोगों को उस पर विश्वास है और सबसे ज़्यादा डर अगर मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार को डर है तो आम आदमी पार्टी से डर है। जितने भी आरोप प्रत्यारोप वो कांग्रेस को नहीं लगा पाती, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस से अब भय नहीं है, भय सिर्फ आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी से है, मनीष सिसोदिया जी से है, सौरभ भारद्वाज जी से है। इन लोगों से उनको इतना भय हो चुका है कि जिसका हम शब्दों में उल्लेख नहीं कर सकते, क्योंकि ये जहाँ जहाँ गई इन्होंने कांग्रेस भाजपा का सुपड़ा साफ किया है। अब रहा सवाल मध्य प्रदेश में हम क्या योजना लेके आएंगे और कितनी राशि लोगों को देंगे। हमने पहले ही कह दिया कि मध्य प्रदेश में हमारे पास, मध्य प्रदेश में क्या हम कहीं पे भी चुनाव लड़ते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं के सहारे लड़ते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोगों को हमारी शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल 70 सालों में जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए उस संबंध में हम उनको रोजगार देने का प्रयास करते हैं। हम उनको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने की शिक्षा दे रहे हैं कि आप अपने हाथ से नौकरी करने वाले न बनो, नौकरी लेने मतलब नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। ऐसी योजनाओं को लेकर हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं। और रहा सवाल जो मॉडल चल रहे हैं इनका, लाडली बहना का और नारी सम्मान का, मैं सिर्फ चंद शब्दों में यही कहूँगा कि आज ये नारी सम्मान की बातें कर रहे हैं, जब देश की एक मणिपुर जैसी घटना पर देश का मुखिया 2 शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं, पहलवानों में जो महिलाओं की दिल्ली जंतर मंतर पर जो बैठी हुई महिला कई दिनों तक अनशन पर बैठी रही उनके बारे में 2 शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं, इससे देश की गंदी राजनीति क्या होगी, इससे देश के लिए दुखद घटना क्या होगी। विदेशों में जाकर हम अपना डंका बजा रहे हैं, वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहाँ लोगों को ये बता रहे हैं कि देखो हमारा भारत एक ऐसा सोने की चिड़िया है, हमने ये किया हमने वो किया, परंतु देश की नारी के लिए 2 शब्द
एक देश का मुखिया नहीं बोल सकता, इससे दुखद घटना और निर्लज्जता इस शर्मसार करने वाले भारत के प्रधानमंत्री पर क्या होगी? आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयंत गुप्ता काफ़ी नाराज हैं भाजपा पर, महिलाओं के असम्मान को लेकर, मणिपुर की घटनाओं को लेकर वे भाजपा पर अनेकों आरोप लगा रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी इन चुनाव में, उसके बारे में भी उन्होंने संक्षिप्त में बताया। मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग निमाड़ को लेकर कई राजनीतिक विषय और सवाल हैं जिन पर हम उनसे चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जैन गुप्ता जी। जैन जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैन जी, मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग निमाड़ क्षेत्र, क्या मुद्दे होंगे विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के, मुख्य मुद्दों पर बात करना चाहूँगा मैं। देखिए, खरगोन में अभी विकास के लिए बहुत कुछ बाकी है। खरगोन में इतने 70 सालों में हुआ ही क्या है? कई लोग ट्रेन का सपना दिखा के गायब हो गए, कई लोग बेरोजगारी और रोजगार के लिए लोगों को कई प्रकार के सपने दिखा गए। खरगोन में आज देखिए कोई एक फैक्ट्री तक नहीं है। जो निमाड़ के लोग, जो कृषि प्रधान देश है, उस कृषि क्षेत्र होने के बाद, चाहे मिर्ची ले लीजिए, कपास ले लीजिए, इनके होने के बाद भी यहाँ पर कोई एक ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसके कारण यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। और रहा सवाल हमारे क्रियाकलाप का किन बातों को लेके आएगी, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर हम मध्य प्रदेश के द्वार द्वार जा रहे हैं। और भी ऐसी कई योजनाएं रहेगी जो ग्रामीण जनता के लिए लाभप्रद रहेगी। हम चुनाव में योजनाएं नहीं ला रहे, हम लोगों को गारंटी दे रहे। और गारंटी देना मतलब केजरीवाल जी की गारंटी जो एक ऐसी होती है, जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्हीं गारंटियों के साथ हम मध्य प्रदेश के घर घर जा रहे हैं। हमारी पंजाब की टीम, हमारी दिल्ली की टीम, हमारे कई मंत्री लोग यहाँ पर द्वार द्वार दस्तक दे रहे हैं और लोगों को हमारे क्रियाकलाप बता रहे हैं। जयंत जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अन्य राजनीतिक दल भी इससे अछूते नहीं हैं। आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक हिस्सा, एक पहलू मान लिया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि एक नेता, एक युवा जो राजनीति में आता है देश को बदलने के लिए, लोगों, गरीब लोगों की स्थितियां बदलने के लिए, गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए, कुछ सालों के बाद वो खुद तो करोड़पति अरबापति हो जाता है, 40-40 लाख की गाड़ियों में घूमता है, ये सभी पार्टियों में है, लेकिन वो गरीब जो है वो आज भी उसका मुंह ताकते रह जाता है कि अब तो इसको समझ आएगी, अब तो ये हमारी तरफ देखेगा। तो आखिर ये एक 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 कितना क्रूर मजाक है भारतीय राजनीति में, और उस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जबकि उसका कोई काम धंधा भी नहीं है देखा जाए तो, ये सभी पार्टियों में है, तो आखिर ये आर्थिक प्रगति होती कैसी है? देखिए, होता क्या है कि जब कोई नेता चुनाव लड़ता है, आप पिछले पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, जो लोग खरगोन की धरा पर एटलस साइकिल पर चलते थे, आज वो इनोवा कार और मर्सिडीज कार में बैठ के घूम रहे, जिनके पास 10x10 का एक मकान का छोटा सा कमरा हुआ करता था, आज वो खरगोन जिले में कई कॉलोनियां काट रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि उसके पास ना तो वो पहले उनके पास कोई संपत्ति थी जी जी, ना उनके पास कोई ऐसा बिजनेस था। वही बात बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग साइकिल पे चलते थे आज मर्सिडीज कार और इनोवा में चल रहे हैं। भाई ठीक है, हम मानते हैं कि अपने परिवार की स्थिति लोगों की तरह हमें भी सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छे से करना चाहिए, उनको ऊपर उठाने के लिए ही आप नेता बने हैं। आप लोगों को जो पेंशन और कार्य की, जो थोड़ी देर के लिए कह दो कि कमीशन मिल रहा है, उससे आप लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। परंतु होता क्या है कि जब वो नेता बन जाता है तो नेता बनने के बाद जितने भी ठेके हैं वो अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को देता है। रहा सवाल और भी जो क्रियाकलाप है, जैसे कोई बसें डाल दी या किसी ने कोई और किया काम, तो उसका सब कुछ का जो कमीशन मिलता है वो
अथा पैसा कर मतलब देश की जीडीपी से ज्यादा विकास दर जी 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 उनका विकास दर इतनी तेजी से बढ़ता है कि जिसका हम शब्दों में उल्लेख नहीं कर सकता। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक खरगोन जिले के जनपद सीओ वर्षों से यहीं पड़े हुए, ठीक है ना जी। वो ट्रांसफर भी नहीं उनका होता, क्यों? क्योंकि ये उन्हीं लोगों की नेताओं की शरद में पड़ रहे। एक मंत्री हुआ छोटे से गांव का, दो तीन बार भ्रष्टाचार के कार्यों में उसे निलंबन कर दिया। निलंबन करने के बाद वो जब नई पंचायत में गया, वहां पर भी वो लाखों रुपए कमा रहा है। बहाल होके 30 लाख रुपए बरूड़ ग्राम पंचायत में पिछले एक साल में निकले हुए, जिस संबंध में बरूड़ क्षेत्र के पत्रकारों ने जिला पंचायत सीईओ, जिला कलेक्टर महोदय, संभाग कमिश्नर को शिकायत कर चुके हैं, परंतु दुर्भाग्य जिला कलेक्टर दो शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। संभाग कमिश्नर केवल जांच का आदेश लिखते हैं जिला कलेक्टर को, जिला कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ को केवल जांच का आदेश लिखते हैं। आदेश लिखने के बाद वहां के कर्मचारी उसकी व्यवस्थित जांच नहीं करवा पाते। वही वही मैं पूछना चाह रहा हूं कि इसके बाद अगर ऐसे नेताओं के घर में ईडी या इनकम टैक्स या जो भी सीबीआई घुसती है तो कौन सा अपराध करती है? मेरी बात पूरी हो जाए तो जब वो जांच करने की बात आती है तो जिला पंचायत सीईओ उसी जनपद के अधिकारी से जांच करवाती है जो इस कार्य में लिप्त है। ये कितना देश और सरकार और प्रशासन के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसी से उसकी जांच करवा रहे। अरे दूसरी विभाग के किसी अधिकारी से जांच करवाओ। मैं इस चैनल के माध्यम से जिला कलेक्टर को खुले तौर पर करना कहना चाहता हूँ कि आप 30 लाख रुपए के भ्रष्टाचार पर जांच करें और सत्यता को देखें। आखिर आप जांच क्यों नहीं कर रहे? नाम बता रहा हूँ, बरूर ग्राम पंचायत में 30 लाख रुपए एक वर्ष में निकले हुए, क्या आपके द्वारा कार्रवाई हो रही है? नहीं। आखिर क्या कारण है? आखिर क्यों मौन धारण किया हुआ है आपने? मैं उसी भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ क्योंकि लाखों रुपए का भ्रष्टाचार वही अधिकारी कर रहे हैं। आपके पार्टी के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को लेकर जिला कलेक्टर या जिला पंचायत में कोई शिकायत की गई है? जी, जिला कलेक्टर को कई बार लिखित आवेदन दिए गए, संभाग कमिश्नर तक शिकायतें की गई है, परंतु दुर्भाग्य जब संयाब है कोटवाल तो डर काहे का, और यही हालात है आज देश के। 230 जो विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की, सभी पर लड़ने की बात हो रही है जी, लेकिन अभी मैंने जैसा बताया कि जो सेंट्रल में गठबंधन हो रहा है, आप कह रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव तक ही सीमित रहेगा। अगर राज्यसभा चुनाव भी जो है, मान लीजिए आपके विधानसभा चुनाव को भी संगठन अंगीकृत कर लेता है, तो इस स्थिति में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी? क्या वो कुछ सीटें मांगेगी या पहले से ऐसी कोई बात कर रखी है, या ये मान लिया जाए कि सिर्फ ये लोकसभा चुनाव को लेकर ही गठबंधन बन रहा है? ये सभी मामले वरिष्ठ पदाधिकारियों के हैं, प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी के है, जो प्रदेश चुनाव प्रभारी जून साहब है उन लोगों के है, उन लोगों के द्वारा जैसे प्रदेश में गठबंधन के लिए पार्टी, जब आप संगठन में बैठते होंगे तो कुछ विचार तो होता होगा। बराबर हमारी बातें हुई है, हमारे गठबंधन चल रहे, भीम आर्मी से चल रहे, जय संगठन से चल रहे, गोनवारा गणतंत्र पार्टी से पूरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। पार्टी के कुछ रीति नीतियाँ उनकी है, कुछ रीति नीतियाँ पार्टी की है, जब दोनों के विचार विमर्श मिल जाएंगे, चर्चाएं हमारी चल रही है पूरी पार्टी की, प्रदेश कार्यकारिणी की जब बैठक होती है उसमें जिला अध्यक्षों को भी बुलाया उन लोगों ने, बैठ के पूरी चर्चाएं हुई, परंतु अब उन लोगों की क्या रणनीति बनती है और किस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है ये पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी और चुनाव प्रभारी ही बता सकते हैं। जयंत जी, 230 विधानसभा सीट हम मान लेते हैं वर्तमान स्थिति में, उसके लिए पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से, जो क्षेत्रीय पार्टियां उनसे गठबंधन की बात भी आप बता रहे हैं। जी जी, आप खरगोन जिले के जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। मैं आपसे खरगोन जिले को एक केंद्र में रख के बात करूंगा कि खरगोन जिले में पार्टी अपने वोटरों को साथ में जोड़ने के लिए, आम जनता को जोड़ने के लिए क्या प्रयास कर रही है, और साथ ही जो स्थानीय जो सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटें आती खरगोन जिले में, क्या इसके लिए उम्मीदवार तय कर लिए हैं या अभी खोज जारी है, और आपका क्या क्राइटेरिया क्या तय किया है आपने? मध्य प्रदेश के इस खरगोन जिले में
पार्टी के कई वरिष्ठ, मतलब मेरे द्वारा कई कांग्रेस के कई और कई भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर संपर्क में हैं। उन लोगों ने मुझे फ़ोन लगा के बोला कि हमें टिकट दिया जाए, परंतु पार्टी की रीति नीति और पार्टी का क्रियाकलाप एक ही बात का है कि पार्टी के लिए जो काम कर रहा है तन मन धन से, पार्टी उसको टिकट देती है। पार्टी अपने कैंडिडेट अगर कोई टिकट मांग रहा है तो पार्टी सर्वे के आधार पर जब उसका सर्वे करवाएगी, वो जीतने वाला उम्मीदवार रहेगा। पार्टी के मैनेजमेंट के जो प्रणेता है संदीप पाठक जी, जो राज्यसभा सांसद है, उनका पूरा मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में चल रहा है और वो हर मीटिंग में एक ही बात कह रहे हैं कि पार्टी का सर्वे जैसे ही जिस व्यक्ति के प्रति पक्ष में होगा हम उसको ही चुनाव लड़ाएंगे। और कई लोगों को जब पार्टी में टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी के कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, परंतु उनका एक ही कहना है कि हम किसी भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी माँ अपने बच्चे को सूखे कुएं में नहीं फेंकती, हारने के लिए चुनाव में नहीं उतारेगी, वो सिर्फ जीतने के लिए चुनाव में उतारेगी और सर्वे के आधार पर पार्टी टिकट दे रही। कई पार्टी के नेता हम लोगों से संपर्क में है परंतु वो आज टिकट एनी टाइम पे मांगने का बोल रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करने का बोल रहे हैं, परंतु हमारा यह उद्देश्य है कि अगर आज आप पार्टी ज्वाइन करते हैं तो पार्टी आप लोगों के पक्ष में विचार करेगी। मैं ये आश्वस्त नहीं करता हूँ कि आपको टिकट दे देगी, पार्टी का जो निर्णय रहेगा वो सर्वपरि रहेगा। जयंत जी, मुख्य मुद्दे क्या होंगे खरगोन जिले में? आपने देखा है भाजपा जो कह रही है कि हम विकास के मुद्दे पर अपनी सरकार बनाएंगे, कांग्रेस भाजपा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और अपने 5 संकल्प लेकर के आ रही है, हम संकल्पों के आधार पर सरकार बनाएंगे जी। आम आदमी पार्टी किस आधार पर अपनी जीत का दावा करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो विकास का दावा कर रही है उसने विकास क्या किया है ये आम जनता को पता है। खरगोन की नालियाँ खुदी पड़ी है, 300 करोड़ की जो जल संवर्धन योजना थी वो आज करोड़ों रुपये हो गई। जिन ठेकेदारों को ठेका दिया था उन्होंने समय सारणी में कार्य पूर्ण नहीं किया और उन पर कई बार बोल दिया गया कि हम FIR दर्ज करवा देते हैं, परंतु थाने तक कोई भी पदाधिकारी नगर पालिका तक का नहीं जा पाया। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस की तो आप लोगों को स्थिति ऐसी है कि वो तो ज़मीन से ख़त्म होने की कगार पर है। उसकी स्थिति वही बूढ़े बुजुर्ग की हो जाती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 60 साल के व्यक्ति को जब डॉक्टर कह देता है कि अब आप इसको घर ले जाके सेवा कर लो, कांग्रेस की स्थिति ऐसे हो चुकी है। और हम आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, आपको HW परिवार को आश्वस्त करते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्द एक बड़ा परिवर्तन होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मॉडल को जो द्वार द्वार लेकर हम गरीबों को, अमीरों को, सबको न पक्षपात करते हुए भय, भूख और आतंक के ये जो इन लोगों का जो डरावना माहौल चल रहा है, जो आज नारी के प्रति जो भाव चल रहे हैं, जो उनकी जैसे क्रियाकलाप कर रहे हैं, इज्जत चल रही है, उनके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं दोनों पार्टियों से हो पा रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक सशक्त और मजबूत कार्यप्रणाली देने का प्रयास करेंगे। चलिए, मतलब आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ मध्य प्रदेश जी, हम पूरे मध्य प्रदेश में दमखम के साथ चुनाव में लड़ रहे हैं। अमूमन कितनी सीटें जीतने का आप दावा करते हैं, जो परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं आज की स्थिति में, और खरगोन जिले में क्या स्थिति होगी? मैं आपसे सीट वाइज नहीं पूछ रहा हूँ, संख्या पूछ रहा हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है तो चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ेगा। कोई भी कोई बिजनेस डालता है नहीं, पार्टी तो सरकार बनाने का दावा करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बराबर, मैंने बताया पार्टी विद डिफरेंस, तो वो डिफरेंस में मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि भाई आप सही सही बताएंगे, तो एक अनुमान क्या है आपका कितनी सीटों पर जीत? हम सिर्फ अभी उसकी गणना या गिनती नहीं बता सकते, परंतु इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारे बगैर मध्य प्रदेश की सरकार में किसी भी पार्टी का वर्चस्व नहीं रहेगा। जयंत जी, आम आदमी पार्टी विभिन्न वर्गों से नेतृत्वकर्ताओं को लाला करके अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रही है। गुजरात में भी वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो चुनाव में उन्होंने खड़े करे थे, जिनको दायित्व दिया था, वो पत्रकार थे, आप भी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि से ही आते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हैं, एकाएक राजनीति में प्रवेश क्या कारण रहे? देखिए, मेरा राजनीति कोई शौक नहीं था, मैं शैने अपना जीवन यापन धीरे धीरे कर रहा था। मेरी
पारिवारिक पृष्ठभूमि में दूर दूर तक कोई राजनीति में नहीं था, परंतु मैंने अपनी विपरीत परिस्थितियों में कई चीज़ें ऐसी देखी जिसके कारण मुझे लगा कि अब मैं सर्वसंपन्न हो चुका हूँ। अब कुछ लोगों का राजनीति के माध्यम से सेवा करने का मौका मिला है मुझे। मैंने इंदौर के कई एरियो में अखबार बांट बांट के मैंने शिक्षा नंदानगर हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की, और आज ऐसी परिस्थितियों के बाद भी जब मैंने केजरीवाल जी का अन्ना आंदोलन देखा था और जब उनके आंदोलन चल रहे थे जिस मैदान पे चल रहे थे, और मैं जब टेलीविज़न पर देखता था और मुझे लगा कि केजरीवाल जी जैसा एक अकेला आदमी पूरे देश को कैसे बदल देगा, जब उनका काम देखता था, उनके मंच से भाषण कई बार देखता था, सुनता था, टीवी पर देखता था, तो मेरे मन में एक ऐसी जिज्ञासा हुई कि जब वो एक आदमी इतना परिवर्तन कर सकता है, आज की स्थिति और उस दिन की स्थिति में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। अकेला आदमी चला था, आज 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, गुजरात में 5 सीटें जीतकर 41 लाख वोट लाकर, और 35 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर दूसरे नंबर पर आकर अपना एक अलग वर्चस्व बनाकर जो राष्ट्रीय पार्टी बनाई, जिससे मुझे लगा कि नहीं नहीं आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में परिवर्तन ला सकती है, जो 70 सालों से लोग त्रस्त इन दोनों पार्टियों से है, जिन इन दोनों पार्टियों ने जो लोगों का शोषण किया है और आज छोटी छोटी चीज़ें उनके ज़रूरत की नहीं दे पाए हैं, इससे दुखद पहलू कुछ हो नहीं सकता। इन्हीं बातों को लेकर मेरे मन में मेरी मन को आत्मग्लानी हुई और मैंने राजनीति में प्रवेश किया। मेरा चुनाव लड़ना कोई उद्देश्य नहीं है, मैं संगठन के न तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ खरगोन से या कहीं से, मुझे तो पार्टी ने हरी झंडी भी दे दी है कि आप खरगोन से चुनाव लड़ो, फिर भी मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ संगठन का काम कर रहा हूँ और संगठन का काम करता रहूँगा, बस। लेकिन चर्चा तो चल रही है आपकी कि खरगोन सीट से आप चुनाव लड़ेंगे, मैं बस तो इतना ही कहना, मैं जानना चाहूंगा कि पार्टी अगर आदेश देती तो लड़ेंगे, पार्टी या अगर आपने कहा कि चुनाव आप इस बार आप सिर्फ लड़वाएंगे चुनाव, प्रचार प्रसार देखेंगे। देखिए, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे मशहूर होने का कोई शौक नहीं, बस आप मुझे जानते हो यही काफ़ी है। चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे संगठन का काम करना है और संगठन का काम करता रहूँगा, और अगर मेरे संगठन के कार्य करने से अगर देश में परिवर्तन आता है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। चलिए, जयंत जी ने कहा कि मुझे मशहूर होने का शौक नहीं, बस लोग मुझे जानते रहें। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में इस बार एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करने के लिए प्रयास कर रही है, साथ ही प्रदेश के वोटरों और उन समस्याओं को लेकर भी वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच रही है, ताकि दोनों राजनीतिक दल जो यहाँ पर मध्य प्रदेश और कांग्रेस अपनी मजबूत उपस्थिति में रहते हैं, इस बार वो संघर्ष को त्रिकोणीय बना सके। जयंत जी, आज आप स्टूडियो में पधारे, आपने हमारे साथ आम आदमी पार्टी किस प्रकार से प्रदेश में अपनी उपस्थिति देगी, आम जनता के बीच किस प्रकार से जा रही है और क्या उम्मीदें हैं आपको आगामी चुनाव को लेकर, उस पर चर्चा की। आप स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको चर्चा के लिए आमंत्रित करते रहेंगे। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी राजनीतिक शख्सियत के साथ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी।